हल्द्वानी के कलसिया नाले किनारे रह रहे 60 से अधिक परिवारों को प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी के मुताबिक प्रशासन अब दो तरह की कार्रवाई में जुटा है। पहले ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारी बारिश के दौरान नदी नालों के किनारे रहने वाले लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, जिससे किसी भी तरह की जनहानि से बचा जा सके। दूसरी तरफ डीएम नैनीताल की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है, जो नदी नाले किनारे लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को चिन्हित और सर्वे करने का काम कर रही है। अब अतिक्रमण को चिन्हित और सर्वे करने का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद वैधानिक तरीके से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किया जा रहा किस तरीके का नोटिस? देखिए, इसमें दो तरह से कार्रवाई की जा रही है। एक तो तात्कालिक रूप से, चूँकि जो हमारे लो लाइंग एरियाज हैं और नालों के आसपास रहने वाले हैं, उनको प्रशासन के स्तर से ये ताकीद किया गया है कि आप उन स्थानों को खाली कर दें, और ख़ासकर जब भी वेदर फोरकास्ट कोई रेड अलर्ट होता है उसमें इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरा, अभी डीएम मैडम के निर्देशों के क्रम में एक समिति बनाई गई है, जो नहरों और नालों पर जो अतिक्रमण करके लोग बसे हुए हैं उनका चिन्हीकरण और उनको आगे किस तरह से उसमें वैधानिक कार्रवाई की जानी है, उसके लिए एक समिति बनाई गई है। उसके द्वारा चिन्हीकरण का और सर्वे का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। सर, कुछ मकान खतरे? देखिए, लगातार हमारा जो तहसील प्रशासन है उसके स्तर से और नगर निगम के स्तर से जो भी हमें सूचनाएं प्राप्त होती है उसको वेरीफाई कर रहे हैं, और जो भी सुरक्षात्मक उपाय आवश्यक होते हैं वो किए जा रहे हैं। रहने की व्यवस्था कहाँ की है? अभी हम लोगों ने नगर निगम इंटर कॉलेज काठ गोदाम को एक शेल्टर सेंटर के रूप में आइडेंटिफाई किया है, और वहाँ पर जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो हम लोगों ने अरेंज की हैं। जब भी रेड अलर्ट आता है तो हम लोग उसको एक्टिवेट करते हैं। उधर इस मामले पर हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 70% पैच उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 70% से अधिक आबादी नजूल भूमि पर बसी है, लिहाजा सरकार जिन लोगों का घर खाली कराएगी उनके लिए क्या योजना बना रही है, यह एक बड़ा सवाल है। घर खाली करने का नोटिस सर किया? नहीं, घर खाली करने के मैंने मान लिया। ये लोग कब से बसे हुए हैं? 70% जो लोग उत्तराखंड में वास करते हैं, रेवेन्यू की भूमि या नजूल भूमि पर वास करते हैं, तो आप क्या व्यवस्था दे रहे हैं? आपको इतना अमीर हमारा प्रदेश या हमारा देश अभी नहीं हुआ है, और आपकी केंद्र की और राज्य की सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं करा है कि अर्थव्यवस्था को इतना सुधार दे। लोग गरीब हैं, अपने मकान का फ्रीहोल्ड रजिस्ट्री करने का लोगों पे पैसा नहीं है, तो गरीब के लिए जब व्यवस्था नहीं दी जाती तो क्यों कहते हो सबका साथ सबका विकास? कहां है सबका साथ सबका विकास? ये नहीं किया जा सकता कि बरसात